तो दोस्तों फाइनली रेडमी का नोट 11 स्मार्टफोन आज इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है रेडमी की तरफ से। अब ये स्मार्टफोन काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन का आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जो बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ में आएगा। जो सेकंड वेरियंट होगा वो 6 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ में आएगा। जो थर्ड वेरियंट होगा वो 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। अब थंबनेल में मैंने एक्चुअल में लिखा था कि डोंट बाय रेडमी नोट 11। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा था, ऐसी वो कौन सी कमियाँ आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, क्या एक्चुअल में ये स्मार्टफोन करने लायक है जिस प्राइस पर लॉन्च किया गया, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पर Redmi का Note 11 स्मार्टफोन लेने की सोच रहे थे तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है ये वीडियो आपके थोड़ा बहुत काम आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते, तो एक्चुअल में जो स्मार्टफोन की प्राइसिंग होने वाली है उससे आपको ₹1000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आप स्मार्टफोन को फर्स्ट सेल में बाय करते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि Redmi की सेल इतनी तकड़ी होती है कि जस्ट एक मिनट में यहां पर सभी स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अब पता नहीं यहाँ पर रेडमी कम स्टॉक लाता है या फिर सेल ही इतनी ज़्यादा होती है कि स्मार्टफोन किसी को मिल ही नहीं पाता। तो यहाँ पर आपको ₹1000 का डिस्काउंट इसके तीनों ही वेरिएंट पे देखने को मिल जाएगा। जो बेस वेरिएंट होगा ना उसकी प्राइस यहाँ पर आपको एक्चुअल में जो देखने को मिलेगी 13,500 देखने को मिलेगी, लेकिन ₹1000 का डिस्काउंट करने के बाद ये स्मार्टफोन आपको फर्स्ट सेल में ₹12,500 में देखने को मिल जाएगा। सेकंड वेरिएंट आपको इसका 6 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ ₹13,500 में देखने को मिल जाएगा ₹1000 का डिस्काउंट करने के बाद। अदरवाइज इसकी प्राइस आपको ₹14,500 देखने को मिलती है। और जो यहाँ पर आपको 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलता है उसकी कीमत ₹16,000 रखी गई है रेडमी की तरफ से, और ₹1000 का डिस्काउंट करने के बाद ये स्मार्टफोन आपको ₹15,000 में मिल जाता है। अब देखिए एक्चुअल में स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेक्स देखने को मिलती है, क्या सही में स्मार्टफोन बाय करने लायक है। जी हाँ दोस्तों, आप स्मार्टफोन को बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं क्योंकि अभी तक किसी भी कंपनी ने स्मार्टफोन में के जैसी स्पेक्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। हालांकि यहाँ पर रियलमी का 9i स्मार्टफोन कुछ इसी तरह की वैल्यू ऑफर आपको ऑफर करता है, बट उसके साथ में भी अगला वीडियो में कंपेरिजन लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड और कंपेरिजन रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती है। अब यहाँ पर स्मार्टफोन में जो आपको एक्चुअल स्पेक्स देखने को मिलती है उसमें 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक का डिजाइन दिया गया है जिसमें पीछे की तरफ क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, 50MP प्राइमरी, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP का डेप्थ कैमरा वहां पर दिया गया है। मीडियम सी यहां पर आपको सभी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, स्मार्टफोन की सभी स्पेक्स काफी अच्छी दी गई है। 13MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर दिया गया जो कि 3 वेरिएंट के साथ में आता है। वेरिएंट के बारे में ऑलरेडी आप सभी से 2 बार बता चुका हूं, 3 बार बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। साथ ही यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है, UFS 2.2 स्टोरेज भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 GB तक की जो है वो वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी। तो आपका जो बेस वेरिएंट है 4 GB रैम वाला वो यहाँ पर 2 GB के वर्चुअल रैम ऐड करने के बाद 6 GB रैम का बन जाता है, तो आपको एक एडवांटेज भी देखने को मिल जाता है। साथ ही 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट सेल में बाय करना, आपका काफ़ी तगड़ा फायदा होने वाला है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 सेल करने के बाद रेडमी इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि ऑलरेडी रेडमी काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर चुका है। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि रेडमी 10 प्राइम की प्राइस को भी इंक्रीज़ किया गया था, रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन की प्राइस को भी इंक्रीज़ किया गया था। तो हो सकता है कि रेडमी के नोट 11 स्मार्टफोन की प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया जाए बाद में। अब ये स्मार्टफोन को जो पॉपुलर करने के लिए रेडमी हो सकता है कि प्राइस कम रखता है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर स्मार्टफोन जो प्राइस है 100% इंक्रीज कर दी जाएगी महीने या 2 महीने बाद में, तो आप इसे जल्द से जल्द बाय करने लगा काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो रोजाना मिलती है। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।